एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बागपत के ब्लॉक बिनोली में स्थित आदमपुर गांव पड़ाव। लगभग 2250 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 14 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान मनोज पंवार हैं, जिन्हें ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 1300 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 367 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 250 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 200 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर व 15 सोलर लाइटें भी गाँव में लगवाई गयी है तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में 25 हैंडपंप लगवाए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में खडंजे, 2 सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाली, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 117 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में बारात घर, पंचायत घर, खेल का मैदान, पानी की टंकी, शमशान घाट की बाउंड्री, तालाब, पानी निकासी के लिए नाला, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, 6 सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रधान मनोज, जिला बागपत। मेरे कार्यकाल में 2 इंटरलॉकिंग, 1 सीसी, 117 शौचालय, 7 शौचालय स्कूल में, 6 बाथरूम, 1 नल का नया, 2 रिबोर, 15 सोलर लाइट अपने कार्यकाल में किया है। पैसे के कारण हमारे गांव में 1 बारात घर, पंचायत घर, खेल का मैदान, पानी की टंकी, शमशान, तालाब का सौंदर्यकरण खुदाई, तालाब की निकासी और शीशे की मरम्मत टूट रही है, जो पशु चिकित्सा केंद्र से अपील है हमारे गांव में ये काम करवाने की, कृपा करें। धन्यवाद।